पंचकृति फाइव एलिमेंट सामाजिक समस्याओं पर रोशनी डालती फिल्म दर्शाएगी पांच कहानियां। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फिल्म बनी हैं जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित रही है, पर इसमें से कुछ ही फिल्में ऐसी रही जिन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें सोचने पर मजबूर किया। अब ऐसी ही फिल्म आई है जो एक नहीं बल्कि पांच कहानियों के जरिए लोगों को समझाने का प्रयास करेगी। संजोय भार्गव के निर्देशन में बनी पंचकृति फाइव एलिमेंट्स बुंदेलखंड के एक छोटे से शहर चंदेरी में शूट हुई है और इसमें मुख्य भूमिका निभाई गई है ब्रजेंद्र कला, पूर्वा पराग और उमेश वाजपेयी के द्वारा। एक ही फिल्म में पांच कहानियों को पिरोने की वजह से यह एक अलग तरह की फिल्म बनकर तैयार हो रही है। निर्देशक संजय भार्गव कहते हैं, दुनिया भर में ऐसी फिल्मों को एंथोलॉजी फिल्म कहा जाता है। एक एंथोलॉजी फिल्म में अलग अलग कहानियां होती हैं, पर यह सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमारी फिल्मों में जो पांच कहानियां हैं वो उन मुश्किलों और परिस्थितियों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें समाज की लड़कियां और औरतें जूझ रही हैं, लड़ रही हैं। पांचों ही कहानियां चंदोरी में स्थित है और वहीं पर फिल्माई गई है। पंचकृति फाइव एलिमेंट्स में दर्शाई गई पहली फिल्म का नाम है खोपड़ी। यह कहानी एक ज्योतिष के बारे में है जिसकी नज़र राह चलते गुमनाम खोपड़ी पर पड़ती है और इसमें एक ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाती है। दूसरी कहानी अम्मा एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी माँ उन्हें जन्म देने के पश्चात गुजर जाती है और इसी वजह से उस लड़की को सब अपशगुन मानने लगते हैं। सुआटा कहानी है एक राक्षस की जो जवान लड़कियों को परेशान करता है। चपेटा उस खेल का नाम है जिसे खेलने के लिए गांव के लड़के लड़की का वेश बनाकर आते हैं। परछाई एक जवान चूड़े की कहानी है जिसकी जिंदगी में एक हादसे की वजह से उथल पुथल मच जाती है। संजोय कहते हैं, चूंकि यह सारी कहानियां समाज के सच को उजागर करती है, हमने लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना की है, इसे लिखा है। पंचकृति एक पारिवारिक फिल्म है और इसे हर उम्र के लोग देख सकते हैं। फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं है जिसे आप अपने परिवार के साथ ना देख पाएं। हाँ, यह पांचों कहानियां आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पंचकृति फाइव एलिमेंट्स में पिरोई गई पांचों कहानियां परिवार, लैंगिक समानता, आध्यात्मिकता पर बहुत कहने का प्रयास करती है। सरकार के द्वारा लाए गए एक महत्वपूर्ण अभियान जैसे स्वच्छ भारत और बेटी पढ़ाओ पर भी यह जागरूकता पैदा करती है। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि दर्शक थिएटर में जाएं और लकी ड्रॉ के जरिए वो इनाम भी जीत सकते हैं, अर्थात जो इस फिल्म को देखने जाएंगे उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब यह देखना होगा आने वाले समय में जिस तरह से ये पांच कहानियों को मिलाकर एक फिल्म बनाई गई है लोग इसे कितना प्यार देते हैं। रही बात जागृति की, तो समाज जागृत करने के लिए यह कहानियां बनाई गई है, निश्चित रूप से लोगों को देखना चाहिए। आप भी जाइए, देखिए और पुरस्कार पाइए। फिलहाल के लिए मुझे मनीष झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है, सुआटा नामक दैत्य का प्रकोप भारत वर्ष के बुंदेलखंड में अपनी चरम सीमा पर था। हमें लगता है कोई पीछे है। पलटियो मत, नहीं तो पीछे लग जाए। हमने कहा था कि कछु भी हो जाए आएंगे जरूर। विष्णु जी को मोड़ा, लड़की बनते भाव पकड़ोगो। पंडिताई और ज्योतिष छोड़ के रात भर तंत्र विद्या का अभ्यास करो। तो खेलोगे चपेटा?